Hey people, good morning. My name is Abhishek Pandey and today I am here with the 5 words. Guys, I want you to subscribe to my channel 21st Century English for more videos, for word meanings and for the structure. Guys, today I have got 5 words as usual that I always come up with these kind of videos. And today's video is in English or in Hindi, both. Here we go. Barely managed to escape. Barely managed to escape. इस जो phrase है इसका क्या मतलब है? Escape मतलब होता है बच के निकलना. ठीक है, कहते हैं ना कि यार चोर ना पुलिस से escape कर गया, यानी बच के निकल गया. और barely मतलब होता है मुश्किल से. Barely managed to escape का पूरा मतलब होता है बाल बाल बचना. जैसे अपनी लाइफ में क्या होता है ना, कभी कभी आप बाइक बाइक चलाते हो या कुछ भी चला रहे हो या रोड पे चल रहे हो तो बड़ी मुश्किल से बचते हो आप वहां पे. ठीक है, सो आप कहते हो आई बैरली मैनेज टू एस्केप, मैं बाल बाल बचा यार. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं बैरली मैनेज टू एस्केप, जिसे हम कहते हैं क्लोज एस्केप. क्लोज एस्केप या हिंदी में कहेंगे बाल बाल बचना. बाल बाल बचना. अब कोई भी सेंटेंस अगर आप इसे बनाना चाहते हो तो बना सकते हो. ठीक है, जैसे कहते हैं कि उसका उसका भाई बाल बाल बचा. ठीक है, तो हिज ब्रदर बेयरली मैनेज टू एस्केप. ठीक है भाई, तू तो मर ही जाता, बाल बाल बचा है तू. यू आर ऑलमोस्ट डेड. Okay, you barely managed to escape. Got it? I hope you got it. Next word, carve one's way. अच्छा, carve मतलब होता है रास्ता बनाना, खोदना अपना रास्ता. ठीक है, एक अलग ही रास्ता बनाना अपनी लाइफ में. तो carve one's way मतलब अपना रास्ता बनाना, अपना रास्ता खुद बनाना. ठीक है, one's की जगह पे हम चीजें रिप्लेस करते हैं. जैसे कि मान लो मैंने कहा मैं अपना रास्ता बनाऊंगा, सो आई विल कार्व माय वे. वो अपना रास्ता खुद बनाएगा. ही विल कार्व हिज वे मतलब हमें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. वी डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन समवन. विल कार्व आवर वे बाय आवरसेल्फ. ओके, तो कार्व वंस वे का मतलब होता है, वंस को रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. जैसे अगर आपको अपना रास्ता बनाना है अपनी लाइफ में, आप किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, अपना रास्ता बनाना चाहते हो, अलग पहचान बनाना चाहते हो, तो बोलोगे आई विल कार माई वे. ठीक है, इसका मतलब होता है रास्ता बनाना. ठीक है, अपना रास्ता खुद बना देता. आई विल कार माई वे, आई डोंट नीड एनीबडी इन माई लाइफ. ओके, एंड आई I'm pretty sure, I have confident myself that yes, I will be able to do that. Okay? Encounter. जब ये वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो encounter वही पुलिस वाला आता है कि यार गोली मार दिया encounter. But आपको पता है कि इसका मतलब कुछ अलग भी होता है. Encounter means face करना. किसी चीज को face करना, हिंदी में सामना करना. जब भी वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करता है काफी खुश रहता है. सो एवरी टाइम ही इनकाउंटर्स मेनी प्रॉब्लम इन हिज लाइफ ही बिकम्स सो हैप्पी. ठीक है, मतलब इनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, फेस करना. ठीक है, देखो यार तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा. यू विल हैव टू इनकाउंटर हिम. ठीक है, हर किसी को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. Everybody has to encounter the problems. Is that clear? So, encounter और face दोनों ही एक ही होते हैं. ठीक है, अब अगला है endangered. Endangered शायद आपने सुना भी हो. Endangered का मतलब होता है जोखिम में डालना अपने आप को. ठीक है, जैसे put yourself in danger कहा जाता है इसे. Put oneself कह सकते हो.
इन डेंजर। हिंदी में आप इसे कह सकते हो जोखिम में डालना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मैं कहूं कि यार पता है उसने अपनी लाइफ जोखिम में डाल दी मेरे लिए, ठीक है, ही endangered his लाइफ फॉर मी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो कभी भी जोखिम में डालना कोई वर्ड हो या ऐसा कभी सेंटेंस है तो हम बोल सकते हैं endanger, तुम्हें अपने लाइफ को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, यू डोंट नीड टू endanger योर लाइफ फॉर मी, ओके, समझ में आ रहा है। हैप्पी गो द लास्ट वन, स्टैंड इन द वे। स्टैंड इन द वे का मतलब होता है रास्ते में आना, रास्ते में आना। अच्छा यार ये रास्ते में आने का मतलब क्या, रास्ते में मान लो गाड़ी भी आ गया कुछ भी आ गया वो नहीं, नहीं वो रास्ते में आना नहीं, रास्ते में आना मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई मेरे रास्ते में आया मैं उसे जान से मार दूंगा। If somebody stand in my way, अब मेरे रास्ते में आया तो यहाँ my लग जाएगा the की जगह, तो if somebody stand in my way, I'll kill him. Correct? अच्छा, मेरे रास्ते में कितनी भी मुसीबतें आए मैं उन्हें फेस कर लूंगा, ठीक है, एनी मुसीबत एनी प्रॉब्लम स्टैंड इन my way, I will फेस इट, I will encounter it. समझ में आ रहा है ना। तो रास्ते में आना, कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। If anybody stand in my way, I will not spare him. ठीक है? तो ये पांच वर्ड्स हैं जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। These five words are very useful and it has such an impeccable result. Okay? If you want to use all these words in your day-to-day conversation, trust me, your English will be the next level. Okay? And that day you'll be proud of yourself. Start using in your day-to-day conversation. You will see a drastic change in your English. Okay? So that brings me to the end of this beautiful video. Guys, if again you are new to my channel, go subscribe 21st Century English and please press the bell icon along with that. So that's it. Bye-bye. Take care.